लखनऊ के गोमती नगर में विवेक तिवारी हत्याकांड के बाद एसआईटी टीम ने जांच शुरू कर दी है, जहां आईजी के नेतृत्व में एसआईटी टीम घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान टीम ने पूरी वारदात का बारीकी से अध्ययन करते हुए घटना को नाट्य रूप से फिर से दोहराया और मामले की गंभीरता से जाँच की। इस मौके पर एसपी क्राइम दिनेश सिंह सहित तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ये एसआईटी बनाई गई है और कल जो एक घटना घटी है जिसमें एप्पल के एक अधिकारी की जान गई थी और हत्या हुई थी, उसमें जो एफआईआर की तरह हत्या हुई थी उसमें अभी एक एसआईटी बनी है। वही हम आए हैं, प्रिलिमिनरी जांच करने के लिए आए हुए हैं। घटनास्थल का सीन ऑफ क्राइम का जो मुआयना करना होता है और इसको बहुत बारीकी से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी एविडेंस हमें यहाँ से मिल सकते हैं, जो चीज़ें हम यहाँ देख सकते हैं, उस चीज़ को देखा जा रहा है। जो भी आर्टिकल्स यहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं उसे कलेक्ट किया जा रहा है। परिवार से काफ़ी डिटेल में मेरी बात हुई है। जो दो बातें आपने बताई हैं, एक सुरक्षा को लेकर के और एक इनके वादिनी को लेकर के कि जो इनकी मृतका की पत्नी है उनकी तरफ से एफआईआर होनी चाहिए, दोनों ही बातों के लिए मैंने आदेश कर दिए हैं कि इनकी तरफ से जो भी तहरीर देते हैं उस मुकदमा कायम हो। और एसआईटी का गठन आपको मालूम है हो ही चुका है। आईजी लखनऊ श्री सुजीत पांडे उस एसआईटी को हेड कर रहे हैं। वो अपनी टीम के साथ इस टाइम मौके पर हैं। फॉरेंसिक टीम के साथ सीन का रिक्रिएशन और बाकी जो भी इन्वेस्टिगेटिव कार्रवाई होनी है उस बारे में स्वयं आईजी लखनऊ अपनी टीम के साथ मौके पर गए हुए हैं। गौरतलब है कि लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस ने कार सवार विवेक को चेकिंग के दौरान गाड़ी ना रोकने पर गोली मार दी थी, जिससे विवेक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस विभाग की किरकिरी हो रही है। लखनऊ से अनिल सैनी, पंजाब केसरी टीवी।